प्रायोजक हैं। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश, बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती के मौके पर लोगों को दी बधाई। पीएम मोदी ने महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देते हुए एक वीडियो भी किया पोस्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर। अमित शाह ने गुवाहाटी में उत्तर पूर्वी परिषद की 70वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। कांग्रेस अध्यक्ष पद से चुनाव का घमासान। उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर में किया प्रचार, मांगा समर्थन। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कानपुर में हुए कार्यक्रम में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा समाज का कोई अंग दुख में हो तो समाज सुखी नहीं रह सकता। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनता को दी सौगात। किन्नौर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। गुजरात बीजेपी की गौरव यात्रा 12 अक्टूबर से होगी शुरू, 4 जगहों से निकलेगी गौरव यात्रा। अमित शाह और जेपी नड्डा करेंगे यात्रा की शुरुआत। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा का निधन, सीएम गहलोत ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कल सरदार शहर में होगा अंतिम संस्कार। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी पर अंकुश को लेकर सीएम अशोक गहलोत गंभीर। शाम 5:30 बजे शुद्ध के लिए युद्ध कैंपेन को लेकर लेंगे बैठक, कार्रवाई को लेकर होगा प्रेजेंटेशन। जयपुर में अखिल भारतीय रैगर महाकुंभ का शुभारंभ। मुख्यमंत्री गहलोत ने दीप प्रज्वलित कर किया रैगर सम्मेलन का शुभारंभ, दिया संबोधन। उत्तराखंड के चमोली में हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी, हर ओर नजर आ रही बर्फ की सफेद चादर। यात्रियों को गोविंद घाट और घांघरिया में रोका गया। कोटा में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे का किया कार्य बहिष्कार। अपनी मांगों के समर्थन में कोटा मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों के बाहर की नारेबाजी। प्रदेश में बारिश से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिंतित, कहा बीते 2 दिनों में हुई भारी बरसात की वजह से जिलों में परेशानी, फसलों को पहुंची है, जिला कलेक्टर्स को किया निर्देश। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का 2 दिवसीय बीकानेर दौरा, देशनोक में वसुंधरा राजे का जोरदार स्वागत, करणी मंदिर में की पूजा अर्चना। दौसा के बहवा में शॉर्ट सर्किट से ज्वेलर्स की दुकान में लगी आग, आग से दुकान में रखा सामान जलकर हुआ नष्ट, नपा के दमकल ने पहुंचकर किया आग पर नियंत्रण। जोधपुर में घरेलू गैस सिलेंडरों में से रिफिलिंग करने का मामला, पुलिस ने अभियान चलाकर करीब 13 लोगों को किया दस्तयाब। पाली में घर के बाहर खेल रहे 5 साल के मासूम पर अचानक डॉग ने किया हमला, हमले में मासूम बुरी तरह से जख्मी। पार्वती नदी में अचानक से आया उफान, राजस्थान और मध्यप्रदेश को जोड़ने वाला हाईवे हुआ बंद। पार्वती नदी की पुलिया पर चल रही 2 फीट की चादर। प्रदेश में कोरोना की तस्वीर, बीते 24 घंटे में 46 पॉजिटिव केसेस दर्ज, हालांकि इस दौरान 67 मरीज हुए कोविड से रिकवर। सवाईमाधोपुर में जमकर बरसे बेग, त्रिनेत्र गणेश मंदिर के मार्ग पर पानी ही पानी, नेशनल पार्क का गेट करना पड़ा था। जयपुर के गलता गेट पर लूट की वारदात, बुजुर्ग महिला के पैर काट कर चांदी के कड़े ले गए बदमाश, पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश। सुमीरपुर में करण से 14 साल के मासूम की मौत, किराने का सामान लेने जा रहा था, बीच रास्ते में लाइट के पोल से लगा कर। राजस्थान सरकार IASRS को देगी चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंसी अवार्ड, डॉक्टर शिक्षक और इंजीनियर्स को भी मिलेगा सम्मान। मॉनसून के हल्का पड़ने से प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा डेंगू का कहर, बीते 1 सप्ताह में पूरे प्रदेश में 1,000 से ज्यादा मरीज आए चपेट में। मानसून की विदाई के साथ 1 हफ्ते के बाद बारिश का पसपेरा, जयपुर में लगी झड़ी, आज भी 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। शरद पूर्णिमा आज, मंदिरों में हो रहे कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित। जोधपुर के सुटवा डैम में डूबने से 3 युवकों की मौत, 1 युवक की जान को बचाया गया। 3 दिन से हो रही भारी बरसात की वजह से किसानों के अरमानों पर फिर गया पानी, बेमौसम हो रही बरसात से मक्का उड़द सोयाबीन की फसलें हो चुकी है नष्ट। दौसा के सिकराय में बारिश की वजह से टूटा कई गांवों का संपर्क, क्षेत्र में चारों ओर गांव हुए पानी से जलमग्न। पाली में आकाशीय बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत, आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 5 लोग भी झुलसे। भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज, दूसरा मैच आज हो चुका है शुरू, मैच में बारिश डाल सकती है खलल। प्रायोजक है देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश, बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है।